भोजन के घटक, इसमें जो है आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में देखते हैं क्या सब है। विटामिन डिजिटेट से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। और इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन हमारी बॉडी को कैसे रक्षा करता है या किस किस चीज को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और फिर है कि टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई तथा के, ये सारे विटामिन के टाइप है। और ये सारे जब एक ग्रुप में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विटामिन के एक ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, और फिर ऑप्शन नहीं दे देगा, किसी एक विटामिन को ऑप्शन वाइज कम करते जाएगा और एक में सारे विटामिन के नाम दे देगा। तो इस टाइप से हमें सारे विटामिन के टाइप को याद रखना होगा। फिर है कि विटामिन ए हमारे स्किन तथा आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन ए का क्या फंक्शन है, वो हमारे स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। फिर विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है विटामिन सी। विटामिन डी बोन्स और टीथ के कैल्शियम का यूज करने में बॉडी की हेल्प करता है। जो भी कैल्शियम हमारे बॉडी में होता है उसको यूज कैसे किया जाए, उसे विटामिन डी का वर्क है, वो फंक्शन है। फिर है विटामिन ए के स्रोत, पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल, ये सारे जो है विटामिन ए के स्रोत है। क्वेश्चन करेगा में पूछ देगा कि विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, तो पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल है। फिर विटामिन बी के सोर्स क्या है, गेहूं, चावल या तिल, ये सारे विटामिन बी के सोर्सेज हैं। विटामिन सी के सोर्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सारे क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। तो संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं। फिर है कि विटामिन डी के सोर्स क्या है, मक्खन, मछली, दूध, अंडे, यकृत, सूर्य। सूर्य से हमें मुफ्त में विटामिन डी मिलता है, बट हम लोग इसका यूज नहीं करते। मतलब हमें, हमारे पास इतना कम समय होता है कि हम धूप में जाके नहीं बैठते हैं और दवाई खाते हैं। तो सूर्य जो है नेचुरल रिसोर्सेज सारे चीज है, बट ये हमें डायरेक्ट विटामिन डी देता है। फिर है कि रूप छांस, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन में अगर हमारे बॉडी में रूप छांस की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कमजोर होने लगता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रूप छांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन, मतलब प्लांट से जो भी प्रोडक्ट आता है उसका बहुत ही अहम भूमिका है हमारे बॉडी में रुक्षांश को स्टोर करने से होती है। रुक्षांश के स्रोत, मतलब ये सारी चीज क्या क्या खाएंगे कि हमारी बॉडी में रुक्षांश की मात्रा बढ़ेगी, तो साबुत खाद्यान्न, मतलब रॉ मटेरियल जो भी होता है, मूंग की, चने की, ये सारी चीज क्या, उसे हम पानी में फुला के खाएंगे। और फिर दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे बॉडी की हेल्प करता है। इस चैप्टर में और भी पॉइंट्स है जो कि मैं अगली क्लास में आप लोग के सामने लाऊंगी। और इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी गेन कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी गेन कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमको भी मोटिवेट करिए। धन्यवाद।